हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दे उत्ते। ते आज दिन आ ही गया जी, सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक दी ओरिएंटेशन है अज। ते आज थानू दिखाने सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक, जेड़े जेड़े स्टूडेंट इत्थे आना चाहुंदे आ जनवरी इनटेक दे विच, मेरा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। कहिंदे मुंडिया ने अज पग बन्ने लई कनेडा दे विच आके, पहली बारी देखो तो सही मुंडे पूरे पगां चिणी फिरते हैं। कहिंदे अज कॉलेज चले हैं कॉलेज। फिर क्या थोड़ा रिव्यू है कि तुसी क्या किन्नी एक्साइटमेंट है थोड़ी? तो बहुत है, बाकी जाके पता लगूगी की बनता। बाकी देखते हैं जी, आज वो जा ही रहे हैं, 5 मिनट पहुँच जाना कॉलेज। फिर दिखाने थानू सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक कॉलेज की ओरिएंटेशन। जी आप पहुँच गए जी कॉलेज के बाहर, तो आ जाओ थानू दिखाने आउटर लुक ऑफ सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक कॉलेज की। पहुँच चुके हैं, तुम पिछे देख सकते हो सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक कॉलेज मूस चौ सिटी। तो आ जाओ फिर थोनों मैं दोस्तों मिलाना है। सब तो पहला भाई लखबीर सिंह सिद्धू, ये मेरा रूममेट भी है, तो सुधांशु जी सत्या, तो पंकज मिलो इन्होंने दोस्तों। तो बई थोड़ा की रिव्यू है इतने मूस चौ के आन का? तो सब तो पहला आप शुरू करते हैं सुधांशु जी, तो थोड़े क्या विचार ने शेयर करो भाई? विचार तो इदा इतने वह बंदा आंदा जो पंजाबी हो, खासकर जो अड़िया हो। चार दिन तो लगी सिटी? मैं यही कहूंगा कि छोटा जा पिंड वर्गा शहर है, छोटी मोटी नौकरी बंदा कर सकता है इत्थे। नाले अगर कोई मैच्योर केस है जो किसी ने स्टडी करनी है तो वधिया अपॉर्चुनिटी है इत्थे। मतलब इधरले पासे कैनेडियन गवर्नमेंट देंदी पई अजकल वीज़े, तो मतलब इधर आना चाहिए जो एक्सपीरियंसड बंदे, उन्होंने इधर मिल जाता वीज़ा। थैंक यू। जिमें भाई जी ने कहा कि इत्थे जिन्हां दे केस अड़े हुए हैं इत्थे वीज़ा मिलता है जी, सीधी जी गल है, वीज़ा तो सानू बट ते पिया है। बट इत्थे जे तुसीं सोचो तो तुसीं अगली फीस कढ़नी है तो वह मुश्किल है, तो वह बिग सिटीज़ दे विच निकलदी है, इत्थे सिर्फ वीज़ा निकलता है। हाँ जी रखवीर जी, तो थोड़े की विचार ने? थानू 10 दिन हो गए इत्थे मूस जॉ दे विच, तो थानू किद्दां दी लगी सिटी? सिटी बहुत वधिया है, बहुत शांतमई है, पर जे तुसीं कहने हो जॉब लभनी है फिर तां भुल जाओ, तां भुल जाओ भाई, इत्थे जॉब नहीं, इत्थे सिर्फ महीने घट्टो घट्ट जॉब लैण लई। हाँ इन्ना तो लगदा है रेफरेंस हैगी है, फिर तुहानू जल्दी मिल सकदी है, अदरवाइज इट्स वेरी डाउंटिंग टास्क। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖ ਲਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੈਫੀਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਅਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਇਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
हाँ जी दोस्तों, अज की ओरिएंटेशन बहुत ही इनफॉर्मेटिव रही। इंटरनेशनल एडवाइजर ने सानू बहुत ही डिटेल्स के दसिया किमें अपनी स्टडी करनी है, की थानू डॉक्यूमेंट्स जो कि सस्कैचुअन गौरमेंट वालों चाहिए ने, सिर्फ हो गया थोड़ा सस्कैचुअन आई डी की, हैल्थ कार्ड, इन्हों सब बारे डिटेल्स दसिया किमें अप्लाई कर सकते हो, तो की उन्होंने बेनीफिट्स ने। प्लस उन्होंने सानू बहुत ही अच्छे तरीके ट्रीट किया, साढ़े लिए रिफ्रैशमेंट भी अवेलेबल सी उत्थे, तुसी वीडियो दे विच देख ही चुके होंगे। तो इदां दीआं होर वीडियोस दे लई मेरा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। तो अगर तुसी भी सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक कॉलेज दे विच आना चाहते हो तो जो भी थोड़ा कोई क्वेश्चन है तुसी कमेंट करके मैनू पुछ सकते हो। थोड़े सारिआं दा एक बार फिर तो थैंक यू।